देखिए मुजफ्फरनगर तो वो जिला है जो खाल जो खाल निकाल के जूते बना देते हैं मुजफ्फरनगर तो वो जिला है कि जहां अगर इनकी तरफ आंख उठा के देखें तो आंख निकाल लेंगे और मुजफ्फरनगर वो जिला है जहां से बदमाशिया शुरू होती है और अगर कोई ये सोचता है कि मुजफ्फरनगर के लोगों पर या मुजफ्फरनगर के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनमें पचास जूते मार देंगे ये तो इशारा था जो आज जेल के पीछे हो अगर आप जूते मार देते तो मुजफ्फरनगर का जो नक्शा है ना वो बदल दिया जाता ये जो कुछ मानसिक रोगी हैं जिन्हें लगता है कि जो चीज़ आप आ, दूसरे राज्यों में कर सकते हो बिहार में भी कर सकते हो बिहार के मुजफ्फरपुर में कर सकते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो लोग हैं जिन्होंने खुरपी और रापी खुरपी और रापी अभी भी टांडो पे रखी हुई है और चलानी नहीं छोड़ी है खाल निकाल के एक मिनट में जूते बना देते हैं अगर ये संविधान ना होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस जूतों को मारने की बात हो रही है तो उसकी खाल के जूते बना के उसमें मारते तो ये तो वो लोग हैं जिस जाति की विशेष के बारे में ये बात कर रहे हैं उन्होंने हथियार जो है रखे हुए हैं चलाने नहीं छोड़े तो जब ये जूते बनाने की बात करते तो हमसे अच्छे जूते ना तो कोई बनाने आते और ना ही चलाने आते और जब पचास जूते चलाने की बात है तो जो जिस मुनादी जिस ढोल से हो रही है उसकी मुनादी किसी दूसरे की खाल से होती तो लोगों को आज भी इस गलत फहमी में है कि वो पाँच हज़ार साल पहले जैसे वो मुनादियाँ करवा कर देते थे या फतवे जारी कर देते थे तो वो भूल जाओ ये बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब को मानने वाले ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में चार चार बार जो है मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हुए हैं ये खाल और ये जो जूते वगैरह तुम मारने की बात कर रहे हो ये खाल निकाल के जूते आज भी बनाना जानते हैं गलत फहमी है वाकई में अत्याचार हो रहा होना चल नहीं कुछ राज्यों में तो गलत फहमी है कुछ राज्यों में गलत फहमी है वाकई में अत्याचार होते है। उत्तर हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ पर मेरठ हुआ मुजफ्फरनगर हुआ बुलंदशहर हुआ आ, आगरा हुआ यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के लोग बहुत मजबूत रहे हैं हाईली जो रेवेन्यू पेड रहे हैं बहुत संगठन के रूप में मजबूत रहे हैं और ये वो लोग हैं जब इन्हें चैलेंज किया गया था कि तुम्हारे पास की कुछ नहीं है उस वक्त इन्होंने कुछ ना होते हुए भी भारत के सबसे बड़े राज्य में चार बार जो है अपनी सरकार बना दी थी hmm. तो ये हाँ कुछ राज्यों में होता है उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी अब जब आ, सरकार का सह मिल रहा है सरकार का संरक्षण मिल रहा है तो कुछ कुकर उभर कर आ रहे हैं परंतु जब तक आ, हमारे जो लोग हैं जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो राजनीतिक रूप से जब आ, एकत्रित रहे संगठित रहे तो इनके तो सपनों में भी जो ये विशेष जाति का नाम लेते हैं उनके सपने आते थे आज तो फिर भी ये निकल के ढोल भजवा रहे हैं लेकिन जिन्होंने मुनादी करवाई है राजवीर सिंह जो है जी उनका बेटा भी बदमाश रहा है कुख्यात रहा है और वो सरपंच रहे मतलब प्रधान रहे गांव के कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है वो ऐसा है मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो या उत्तर प्रदेश हो ऐसे कुख्यातों को हमारे लोग पालते हैं वहां पर ठीक है और वही हमारे लोगों के ही कारण वो वहां पर बचे हुए थे और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई ये चैलेंज करे कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे तो आज मैं जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा आज भी बहुत मजबूत लोग हैं खाल उतार के जूते बना देंगे और रही बात कि कुख्यात की हमसे बड़ा कुख्यात कोई नहीं है मेरठ में भी हमारे लोग रहे हैं मुजफ्फरनगर में भी लोग रहे हैं जब हमारे लोग मेरठ से निकलते थे राम सिंह जब मेरठ से निकलते थे तो इलाके जिले खाली हो जाते थे तो इन्हें ये बताने की जरूरत है और दूसरी बात ये कि कुछ राज्यों में अत्याचार होते हैं परंतु ये बात सही है कि हम जो लोग हैं इतने कमजोर भी नहीं है कि हर वक्त हम जो है रोना पीटना और गिड़गिड़ाना ये समाज की आदत है ऐसा नहीं है समाज बदला लेना जानता है और ये समाज की ताकत थी संविधान की ताकत थी बाबा साहब की ताकत थी जो बिना कुछ किए हुए कानून ने अपना काम किया और वहां पर जो है अमन चैन जो है वो बनाए रखा है लेकिन राम राज्य में क्या ऐसा ही होगा दलितों के साथ देखो राम राज्य तो अगर राम लाना चाहते हो तो शंभु ऋषि की हत्या तो होगी अगर राम की बात करते हो तो के बेर खाए तो को आ, आ, इनाम तो देना ही पड़ेगा और राम राज्य की जहां तक बात है तो राम राज्य के अंदर जो है बहुत मोतें भी होंगी बहुत अत्याचार भी होंगे और धर्म के नाम पर हमारे लोगों को मारा भी जाएगा ये तो रायस जैसा राजशाही में फरमान होता था ऐसा फरमान जारी किया गया मैं ढोल के देखिए नहीं ये देश आजाद है।, है सर संविधान हाँ। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता यही है ना कि वो पिछले सत्तर साल पहले जी रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग प्रतिक्रिया नहीं करेंगे विरोध नहीं करेंगे और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आपके चैनल के कि जो जिस व्यक्ति में ये दम है कि मैं ढोल बजा कर और इस इस समाज को चैलेंज कर सकता हूँ तो आप एक दिन पहले उस इलाके में मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ आप एक दिन चैलेंज करिए और हम आपको बताएंगे कि कानून के हिसाब से लड़ाई कैसी होती है और कैसी नहीं होती तो ये जो राजशाही और जो सामंती मानसिकता के लोग हैं उनके लिए कानून अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है तो सर ये जो नेता खाना खाना जाते हैं दलितों के घर इनका कोई रिएक्शन नहीं आया इस देखिए उनका क्यों आएगा उन्होंने तो देखिए सफेद हाथी नाम का एक अनुसूचित अनुसूचित जाति जाति आयोग आयोग है आयोग जो दिल्ली में बना हुआ है इसके अंदर भी एक हमारे हुए हैं वो रहनुमा ऐसे हैं जब टप्पल कांड हुआ था जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो वो गैर अनुसूचित तो जाति के लिए देखिए अनुसूचित जाति आयोग का जो काम होता है वो अनुसूचित जाति की बात उठाने का होता है परंतु एक वहात है पीएल पुनिया पीएल पुरिया पुनिया साहब जो है टप्पल के अंदर गैर अनुसूचित जाति की आवाज उठा रहे थे क्योंकि उस वक्त वहां पर बहन कुमारी मायावती की सरकार थी आप ये सोच सकते हैं कि एस सी आयोग जो है नॉन एस की आवाज़ वहाँ उठा रहा है और एस के विरोध में उठा रहा है तो जितने भी ये आ, आ, क्रांतिकारी लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो बात बात पे बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करते हैं अनुसूचित जाति को टारगेट करते हैं रिजर्वेशन को टारगेट करते हैं आप ये देखिए कि बिलों में बड़े हुए क्योंकि उन्हें लगता है कि सामान्य बात है विजय साहब लगा रहे हैं अठारह अठारह घंटे काम करता हूँ तो, तो, हाँ तो है तो मोदी के हाँ है तो मोदी के चेले ही मोदी जी भी तो घंटे था, काम करते हैं देश को डुबाने के लिए और अगर ये जो है अनुसूचित आयोग का जो चेयरमैन है, है अगर वो कहता है कि अट्ठारह घंटे काम करता हूँ तो आप उनका एक कार्रवाई बता दीजिए चाहे वो अलवर राज गैंगरेप केस में हुई हो चाहे हाथरस गैंगरेप केस में हुई हो चाहे ये अभी मुनादी वाले में हुई हो या रिजर्वेशन के मामले में हुई हो या दिल्ली के अंदर हुई हो मैं आपको एक

जितने भी हरिजन हैं और वो सोचते हैं कि सम्मान करने से उसे सम्मान मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा आप ये मानिए कि जब अनुसूचित जाति की जहां पर अनुसूचित जाति आयोग को जहाँ खड़े होना चाहिए मुझे एक आप बता दीजिए चाहे वो आ, ये बलविंदर हत्याकांड हुआ उसके अंदर बता दीजिए चाहे दिल्ली के अंदर हुआ मैं आपको दिल्ली के अंदर एस सी एक्ट एस सी पे अत्याचार होते हैं दिल्ली के अंदर एस सी पे अत्याचार होते हैं सैकड़ों एफ दर्ज होती हैं आप एक मामले में बना बता दीजिए दिल्ली के अंदर कि एस सी कमीशन ने किसी मामले में डीसीपी एसपी स्पेशल सीपी या चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा कि इस अत्याचार के

जमी हुई है कि अत्याचार के खिलाफ ना बोले पार्लियामेंट में आवाज ना उठाए किसी भी मुद्दे पे ना उठाए वरना मैं आपको करता हूं कि कि काम कितने कामों काम पर उन्होंने जो अपने समाज को न्याय दिलाया मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लोगों के हर दिन अत्याचार हो रहा है कोई मुनादी बना के करता है कोई मूछ काट देता है कोई

अनुसूचित जाति आयोग एक ऐसा सफेद हाथी है जिसके अंदर कि विक्टिम तो जा सकता है परंतु उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वकील नहीं जा सकता क्योंकि वकील को कानूनी दावे पता है तो जब आप ये बात कहते हैं कि पिछले बार भी इन्होंने अट्ठारह घंटे काम किया और इस बार भी अट्ठारह घंटे काम किया तो अट्ठारह घंटे अगर आप काम करते हैं तो अनुसूचित जाति के लोग हैं आपको सर माथे पर बैठाते ऐसा नहीं है कि आपको जो है सब माला फूल माला पहनाते देखे अगर आप काम करते तो आपका सम्मान दिलों में होता मंच पे नहीं होता परंतु आप आपको लगता है कि आप जो है हमारी कर रहे हैं तो हमारी नहीं, कर रहे है। और नहीं हमें बात दिया गया तलवे चाटने, चाटने वाले आपके फूल माला देने वाले और ये दस बीस लोग आपके अगर आपको माला दे देंगे तो आप राष्ट्रीय हीरो बन जाओगे तो ये समाज इतना भी आज नहीं बरगलाएगा जितना आप बरगला बढ़ गलाने की उसे कोशिश कर रही हो सर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहे हैं देखिए देखिये एस... ना न ना, ऐसा ना, नहीं है कि देखिए आज जब आप इस समय में ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अगर आप अनुसूचित जाति पे अत्याचार की जब आप बात करोगे तो कांग्रेस में इससे ज्यादा अत्याचार हुए बतानी टोला हुआ फूलपुर बातें हुआ दुलीना हुआ जज्जर हुआ और उसके अलावा भी सैकड़ों हजारों हमारे लोगों को मारा गया काटा गया परंतु एक हरा नाग काला नाग की जो थ्योरी थी जो साहब ने की की थी वो हमें समझने जरूरत है hmm. कांग्रेस हमें स्लो दे के मारती थी ये डाक हमें मारती है दूसरी बात कि जितने अत्याचार आज ऐसे हो रहे हैं भारत में आजादी के बाद से कोई साल ऐसा नहीं रहा जिस साल में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार ना हुआ हो